हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वाले वीडियो में इस ब्रूस्ट्रो इलेक्ट्रिक रेजर का अनबॉक्सिंग क्या रिव्यू देने वाला हूँ। अनबॉक्सिंग मैंने ऑलरेडी कर ली है, बिकॉज ये थोड़े टाइम पहले ही मेरे पास आया था और मैंने इसको यूज़ किया और थोड़ा बहुत समझा इसको कैसे यूज़ करना है और काफ़ी तरीक़ों से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं कि ये वर्थ इट बाय है। तो ये रही हमारी इलेक्ट्रिक रेज़र गाइस। तो इस पैक में आती है, आप देख सकते हैं। और इसको मैंने पहले अनबॉक्स कर लिया था क्योंकि मैंने इसको पहले यूज़ करके देखा है। तो मैंने सोचा मैं पहले इसको यूज़ कर लेता हूँ, तो फिर ही आपको रिव्यू दूंगा। तो इसमें इस पैक में क्या और क्या क्या आता है आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक रेज़र, लेजर होल्डर, 2.3 mm इरेजर रिफिल है और ये 5 mm इरेजर रिफिल है। ये कुछ इस तरह से इसमें ऐसे आई थी। इसको भी मैं निकाल कर दिखा देता हूँ आपको। ये है, ये होल्डर है, वो 5 mm वाले रिफिल के लिए है। आप इसको इस तरह से कुछ डालकर, ये मैंने ऑलरेडी 2 mm वाला रिफिल है वो डाल रखा है, आप देख सकते हैं। इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता आपको, इसको थोड़ा सा दबाना है और ये निकल जाता है। ऐसे करके अंदर डालना है और ये काम करने लगता है। हमने प्रेस करना है, बहुत ही हल्का सा प्रेस करने से भी ये स्टार्ट हो जाता है, आप देख सकते हैं। देखें, बिल्कुल हल्का सा प्रेस कर रहा हूँ मैं, बस टच ही कर रहा हूँ, ऐसे लग रहा है। तो अब मैं शेडिंग करूँगा। ये है 2H पेंसिल, इससे शेडिंग करते हैं। अभी 5B से शेडिंग करते हैं, तो अभी मैं 8B से शेडिंग कर रहा हूँ। अब मैं थोड़ा सा प्रेशर लगाकर शेडिंग करता हूँ, देखते हैं वो रिलीज हो पाता है कि नहीं हो पाता। देखते हैं रिलीज हो पाता है कि नहीं। सबसे पहले 2H में देखते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा आसानी से शेडिंग हो के, रुक जाओ मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा आसानी से मैंने इसमें इसको रेज कर दिया। देखिए, मैंने प्रेशर का अप्लाई भी नहीं किया, ये अपने आप ही रेज हो रहा है। तो अब मैं 5B में रेज करके देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें भी काफ़ी आसानी से जो रेज है वो हो पाया है। तो आप देख सकते हैं इसमें भी रेज हो पाया है। मैंने इसमें एक बार नहीं किया, इसमें मैंने थोड़ा सा ऐसे किया है तो रेज हो पाया है। तो अब भी थोड़ा सा जिसमें हमने थोड़ा सा प्रेशर की अप्लाई किया है उसमें देखते हैं कैसे रेज हो पाता है कि नहीं हो पाता। ओह, तो मैं आपको बताता हूँ, आपको इस तरह से रेज नहीं करना है। इस तरह से आपकी रेजर में जो ग्रेफाइट है वो लग जाएगा। आपको कुछ इस तरह से रेज करना है, धीरे धीरे, जिस तरह से काफ़ी आसानी से रेज हो पाएगा। तो इसमें भी काफ़ी आसानी से रेज हो गया है। मैंने आपको जैसे पहले बताया, आपको धीरे धीरे कर कर रेज करना है। आपको कुछ इस तरह से रेज नहीं करना है, इस तरह से आपका रेज नहीं होगा। तो बात रही ये कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम चारकोल में वर्क कर रहे हैं और ग्रेफाइट की डार्क पेंसिल को यूज़ कर रहे हैं, जैसे कोई आई में हाईलाइट होती है तो, और एक्सट्रीम वाइट एरियाज को ऑप्ट करना है, तो जिसको आप डिटेलिंग वर्क के लिए, हाइपर रियलिस्टिक वर्क के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे फेस पे जो पोर्स होते हैं उसको आप इससे बना सकते हैं ऐसे आराम से। तो ये तो हो गए हमारे पॉजिटिव पॉइंट। तो बात रही इसके नेगेटिव पॉइंट की, तो नेगेटिव पॉइंट तो कोई ख़ास नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना होगा। इसको यूज़ करने के बाद इसके ऊपर डस्ट लग जाती है, जिसको आप साफ़ कर सकते हैं। किससे साफ़ कर सकते हैं, तो ये सैंड पेपर है, इसके ऊपर आप इसको साफ़ कर सकते हैं। अगर आपको इसको फुल्ली पॉइंटेड निप चाहिए तो आपको इस साइड पे घुमाना होगा। ये हमारी फुल्ली पॉइंटेड निप देख सकते हैं आप, बन चुकी है। तो अगर आप इसको पहली बार यूज़ करेंगे तो आप कहेंगे कि मैंने इसके ऊपर पैसे बर्बाद कर दिए, बट ऐसी बात नहीं है। मैंने भी इसको यूज़ किया तो मुझसे ये कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। आप इसको अगर जब पेपर पर रखते तो ये ऑटोमेटिकली ऐसे कर जाता है,
तो उसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है, तो आपको वो उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो बात रही ये वर्थ इट बाय है कि नहीं, तो मेरे हिसाब से ये वर्थ इट है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है इससे हमें काम करना, तो काफ़ी हम डिटेलिंग वर्क कर सकते हैं। तो यही थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।